जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ ने टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़ी महानगरीय एक्सप्रेस की चेकिंग के दौरान एक महिला यात्री को 50 लाख रुपयों से भरे बैग के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि महिला यात्री जबलपुर की रहने वाली है और वह महानगरीय एक्सप्रेस से रुपया लेकर मुंबई जाने की फिराक में थी। इस दौरान आरपीएफ स्टाफ की नज़र युवती पर पड़ गई और आरपीएफ की टीम ने युवती की बैग की तलाशी ली तो उसमें से 50 लाख रुपए बरामद हुए, जिसे जब्त करते हुए आरपीएफ ने युवती से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं 50 लाख रुपए बरामद किए जाने की जानकारी आयकर विभाग को भी दी गई, जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी भी आरपीएफ पोस्ट पहुंच गए थे। आरपीएफ को रुपए हवाला के होने की शंका है, साथ ही संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ट्रेनों में चोरी छिपे अवैध रूप से ले जाने की जानकारी आरपीएफ को मिल रही थी, जिसे लेकर आरपीएफ का अमला सतर्क था और संदिग्ध यात्रियों पर नजर रखा हुआ था, जिसके चलते आरपीएफ को सफलता हासिल हुई है। ये कार्रवाई हुई है, क्या मामला था पूरा? आज ट्रेन नंबर 10 को चेक कर रहे थे हमारे आरक्षक और स्टाफ से मिलकर, तो एक महिला यात्री है वो थोड़ी संदिग्ध अवस्था में मिली, तो उसको पकड़ कर पूछताछ करने पर उसने बताया कि हम पैसा लेकर जा रहे हैं, जो पंचों के समक्ष से उसकी पंचनामा बनाने पर उसमें 50 लाख रुपया नगद 500 की नोट वो ले जाना पाया गया, तो उसको जब्त किया गया है और 10 लाख से ज़्यादा होने के कारण इनकम टैक्स विभाग को हमने सूचित किया है। वो उनके आदमी आ गए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। एक महिला और अन्य जो फरार हो गई है? नहीं, हमको सिर्फ एक ही महिला मिली है। क्या नाम है महिला का? नाम अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। पोस्टर न्यूज़ के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।